हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और इसके अंदर हम मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी हम पढ़ रहे हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स, किस टाइप से निकाला जाता है। अभी तक हमने वो UDL, UVL और पॉइंट लोड का पूरा कर चुके हैं। तो चलिए आज हम एक UVL के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारे जो कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं वो पूरे सही ढंग से हमारे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली गई है और यहाँ पे एक UVL लगाया गया है और आखिरी में एक पॉइंट लोड लगा दिया गया है 20 किलोमीटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, सबसे पहले FX समय जोन ऑफ FX वुड बी 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा एक ऊपर की साइड अरे अज्यूम किया जा रहा है, और यहाँ पे हम लेते हैं उसको आर भी FX 0, तो X में तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो ऑलरेडी 0 है। अब हम Y की साइड देखते हैं, तो Y में अगर हम टोटल सम करें समय सन ऑफ FY शुड बी 0, तो Y में टोटल सम कितना होगा, आर ए प्लस आर भी इक्वल्स टू ये कितना है, इधर तो 20 है ही, 20 नीचे की साइड प्लस, और ये कितना होगा, ये होगा देखो 60 यहाँ पे। तो हमने अभी ये कल के लेक्चर में जाना था कि यहाँ पे ये 60 है पूरा, तो यहाँ पे ये तो 60 है और यहाँ पे 2 है। तो हमें इसका पूरे का अगर वेट निकालना है कि कितना है, तो इसका हम पूरे का एरिया ले लेंगे। तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 60। सो ये आर ए प्लस आर बी, 20 तो यहाँ से 2 से 2 कट गया 60, 60 और 20 कितना आ गया 80। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस शुड बी 0। अब हम पॉइंट ए पे ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ ए शुड बी 0, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए शुड बी 0। तो ए की साइड हम लेते हैं, ए पे तो आ रहे तो वैसे ही 0 हो गया। इसके अलावा हम इसका अगर देखते हैं, ये टोटल कितना है अपना, ये 60 यहाँ पे और ये यहाँ पे 2 है और ये हाफ है। अगर इसमें पूरे का हम एरिया निकालें, तो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल का भी हमने देखा था, तो ये कितना आएगा, ये इसका एरिया है, इतना फोर्स है ये टोटल और ये टोटल इतना है, तो यहाँ से 2 कट के कितना आता है 60। तो इसका मतलब क्या आ गया, 60 यहाँ पे और ये किस साइड घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमने कल ही जाना था कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये, मतलब वो टोटल फोर्स को हम उसके सेंट्रोइड पे मान लेंगे, और सेंट्रोइड कहाँ होगा, जो कम वाला है उससे तो 2/3 पे होगा, 2x/3, और x कहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2x/3 और यहाँ पे 1 और है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये टोटल 1 + 2/3, और वो भी किसका, जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है 2, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे कितना लग रहा है, आर बी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, नेगेटिव आर बी इंटू 2, 3 and 4, फिर प्लस, क्योंकि 20 नीचे की साइड लग रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, 20 इंटू 2, 3, 4 and 5 एंड इट शुड बी 0। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये कितना आएगा, 2 × 4, ये तो 7/3, 60 × 7/3 माइनस आर बी इंटू 4 प्लस 100 इक्वल टू 0। इससे ये कितना, 20 140 140, और ये 100 240 इधर गया, तो 240, और इससे ये काटा तो आर बी इक्वल टू कितना आ गया, 60। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस टाइप से हमने यहाँ पे निकाला है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, अब इसी को हम फर्स्ट में डाल देंगे, तो आर ए कितना आ जाएगा, 60 यहाँ पे गया, 60 यहाँ से गया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20। आते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा किस टाइप से हमने निकाला है ये हमने अभी हमारे पास सब कुछ आ गया है, ये जो रिएक्शन था इसका भी फोर्स आ गया, इसका भी रिएक्शन का फोर्स आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शेयर फोर्स निकालना है हर एक पॉइंट का, बेंडिंग मोमेंट निकालना है हर एक पॉइंट का, शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है हर एक पॉइंट पे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकालना है, बनाना है हर एक पॉइंट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर फोर्स के साथ। तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं,
हम अपने लिए एक बीम जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें सिर्फ फोर्सेस के साथ फोर्स उसके अंदर हम हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर ए, और आर ए कितना था हमारे यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 20। इसके अलावा यहाँ पर एक वो था, यहाँ पर लग रहा है एक वापिस से 60, और ऊपर की साइड से एक 20 लग रहा है, और यहाँ पे एक UVL भी लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लो, वो भी 60 किलोमीटर पर मीटर का। यहाँ पे इसकी लेंथ अगर हम देखें तो ये 2 है, ये बंधी हुई है, ये यहाँ पे बंधी हुई है, और ये बंधी हुई है यहाँ पे भी। आई थिंक ये पूरा पूरा हो गया। चलिए हम शेयर बॉक्स निकालते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। ये ए दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, और ये सी। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, ए पे तो 20 सीधा सीधा लग रहा है, तो शेयर फोर्स कितना जाएगा 20 किलो न्यूटन। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ऊपर की साइड है, ध्यान रखिए ऊपर की साइड, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। अब देखते हैं शेयर फोर्स है ए डी, शेयर फोर्स। अब ए डी के अंदर तो आप देखिए कोई और फोर्स है ही नहीं, यही यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप मान लें उसका, अगर आपको बिल्कुल वैसे वैसे अभी तक आपको पूरा सही ढंग से पूरा हो गया होगा, अगर एक्स एक्स है और यहाँ पे हम एक्स माने हुए से पहले अगर पूरा छुपा लें, तो उसके राइट में क्या बचा, सिर्फ 20 बचा, तो सिर्फ उस यहाँ पर भी क्या आ गया इसका, सिर्फ 20 किलो न्यूटन। पॉइंट डी पे अगर सिर्फ उस निकालें तो वही वापस से पॉइंट डी, इसके पुराना पूरा देखो वापस से 20 आ रहा, तो वापस से कितना आ गया 20 किलो न्यूटन। अभी तक आप एकदम रफ्तार पकड़ चुके होंगे इन चीज़ों में, नहीं तो चलो यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं सेक्शन डी ई में, डी तो असली मजा है, उसके लिए तो पूरा क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक अपना देख लेते हैं, ये यहाँ पहले एक्स यहाँ पर था ए पे, फिर ए डी के बीच में आया, फिर डी पे आया, अब यहाँ पर आ गया ये पर है। तो सर इसकी क्या होती है, सबसे पहले इसके इधर का पूरा लेफ्ट का पूरा राइट का सॉरी दबा लो, छुपा लो कि कुछ है ही नहीं, और लेफ्ट का जितना ही फोर्स है पूरा पूरा लिख दो। तो शेयर फोर्स यहाँ पर तो 20 लग रहा है, 20 लगा देते हैं, ऊपर की साइड लग रहा है पॉजिटिव, नीचे की साइड लग रहा है इधर तो माइनस, ये तो पूरा नीचे। अब हमें ये पूरा एरिया चाहिए, अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो ये एरिया निकालने का हमने एक तरीका देखा था, वो था सिमिलर ट्रायंगल का जो रूल था उससे हमने निकालने के लिए कहा था। अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल का रूल निकालना है, चलिए इसको तो यहाँ पर, तो अभी इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, देखते हैं इसका एरिया कितना आएगा, क्योंकि जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो फोर्स ही नीचे की साइड लगा रहा होगा, सही कहा ना। तो फिर ये जितना फोर्स यहाँ पर लगा रहा है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम सिमिलर ट्रायंगल से अगर हम इसको देखें और इसको अगर हम वाई माने यहाँ पर, तो ये वाई आएगा यहाँ पे वाई अपॉन, अब ये लेंथ कितनी है, ये पूरी एक्स है और ये वन है, ये पूरी एक्स है और ये वन है, तो ये कितने हो गया एक्स माइनस वन, कितनी सी लेंथ इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस वाला, तो दिस अपॉन दिस, दिस कितना है 16 अपॉन, और दिस कितना है 2, ना टू ही है ना, ये हमें पता नहीं था इसलिए हमने एक्स के टर्म्स लिया, पर ये तो हमें पता है ना पूरा, ये तो 2 है 2। तो y कितना आ गया यहाँ पे एक्स माइनस वन, वो भी किसका 30। अगर y x माइनस y इक्वल टू 30 एक्स माइनस वन है और ये वाली लेंथ हमें पता है, तो क्या हम इसका पूरे का फोर्स निकाल सकते हैं, तो वो कितना होगा हाफ इंटू बेस, बेस ये वाली लेंथ कितनी, ये पूरी x है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी एक्स माइनस वन इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे y, ये y ही नहीं यहाँ पे, और ये वाई यहाँ पे कितना दिया हुआ 30 एक्स माइनस वन, यहाँ से ये कट गया पूरा, तो ये कितना आएगा 15 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हम ये लिख देंगे 15 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये जो यहाँ पर था इसी को हमने यहाँ पर किया है,
समझ में आया कि सर हमने सेल फोर्स यहाँ पर निकाला है। अब चलिए आगे चलते हैं 8.3 पॉइंट ई के ऊपर। पॉइंट ई के ऊपर अगर हमें निकालना है, ई पे तो सीधा सही है, यहाँ छुपाओ इसके पैर पर आना, फोर्स ले लो पूरा पूरा, कितना आ रहा है सेल फोर्स में 20 माइनस, ये पूरा ही आ जाएगा अब तो। और पूरा कितना है, 60 हाफ इंटू 2 इंटू 60 तो 60 आया, तो ये कितना आ गया माइनस 40। अब देखना है ई बी में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कोई सा प्लेन ले लेते हैं, इसे पुराना पहले का पूरा छुपा, उसके इधर वापस से वही आ रहा है 20 और ये 60, 20 पॉजिटिव की साइड और पूरा पूरा 60 नेगेटिव की साइड माइनस 60, तो ये कितना आ गया वापस से माइनस 40। ये सब किलोमीटर में चल रहा है, ठीक है ना, वो उसके यूनिट लिख नहीं रहे अपन जल्दी के लिए। फिर यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट बी पे शेयर फोर्स कितना आएगा। पॉइंट बी पे अगर शेयर फोर्स हमें निकालना है तो इससे पुराना इधर का रख लो, उधर का पूरा पूरा निकालो, तो यहाँ पर 20 का 20, फिर माइनस ये पूरा कितना नीचे की साइड लग रहा है 60, फिर प्लस ये 60 कहाँ लग रहा है ऊपर की साइड 60, तो ये कितना आ गया 20, तो ऊपर की साइड आ गया। अब फिर हमें देखें अगर बी सी के अंदर देखें तो यहाँ पर हम वापस से मान लेते हैं एक प्लेन एक्स एक्स, और ये है अपनी अब एक्स, तो फिर यहाँ पर हम बी सी में देखेंगे तो इसके पुराने पूरा छुपा लो और पूरा पूरा वापस से लिखो, तो शेयर फोर्स कितना आएगा 20, तो यहाँ पर माइनस ये जो पूरा है यू वी एल का नीचे का लग रहा है 60 प्लस ये 20 ऊपर का लग रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया है, ये नहीं है प्लस माइनस प्लस नहीं, ये 20 ऊपर का लग रहा है पॉजिटिव, ये 60 नीचे का लग रहा है माइनस 60, ये 60 ऊपर का लग रहा है इसलिए प्लस, ये कितना आ गया 20। तो फिर क्या आता है अपना, फिर पॉइंट सी पे वापस से इसके इधर पूरा पूरा लो और ये 20 तो बचा, बाकी सब तो हम वापस से ये बी सी वाला ही है 20 माइनस और कर देंगे, ये 20 माइनस 60 प्लस 60 माइनस 20 ये सॉरी 0, ये कैसे है वापस बता दूँ, ये 20 कौन सा वाला है, ये 20 ये वाला, ये 60 ये पूरा वाला, ये 60 ये वाला, और ये 20 ये वाला नीचे एक साइड लग रहा है इसलिए माइनस, ये नहीं है प्लस माइनस सब उसमें, ठीक है ना। तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स के ऊपर निकाल लिया है, चलिए अब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व के अंदर अगर प्रॉब्लम तो हम वापस से निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे इक्वेशन बन गई है तो कुछ ना कुछ तो हो गई, लफड़ा तो हमेशा ही होता जिंदगी में। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे पहले उसके ऊपर टेस्ट निकालना, पॉइंट्स लिख दो ए डी ई बी सी। अब ए पे देखो कितना है 20 ऊपर की साइड 20 ऊपर की साइड लिख लो, चलो 20 ऊपर की साइड चला गया। अब ए डी के अंदर 20 रहा, चलो 20 रहो भाई ए डी में 20 रहा। अब डी ई है, डी ई में ये चल रहा है, ये तो भाई पैराबोला है और पैराबोला वो कौन सा वाला माइनस, इधर से तो एक्स स्क्वायर आएगा और वो माइनस वाला है, वाइस वाला डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये तो नीचे की साइड जाएगा, ये तो कन्फर्म है। और ई पे कितना है हमारा माइनस 40, ओ भाई इसका मतलब माइनस 40, इसका मतलब ये तो इसको काटेगा यहाँ से, तो अब काटेगा तो हमें ये देखना है कि हमारा पैराबोला बनेगा कैसा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, क्योंकि हमारा पैराबोला अगर यहाँ से जैसे कि यहाँ पर है उसे यहाँ आना है तो वो या तो आई से आ सकता है या फिर आई से आ सकता है या फिर आई से आ सकता है, कहीं से वाला है अपना वाला, ये हमें देखना है। तो हमें देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका एक ही पॉइंट होगा, ये डाउनवर्ड है इसका मतलब ये बनेगा तो ऐसे ही, तो हमें ये देखना है कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये डी से इधर लाइक कर रहा है और ये लाइक अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है अगर ये डी के बीच में लाइक कर रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, बाकी तो हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे बना देंगे।
तो हमें मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएट करके हमें इसको ज़ीरो पुट करना पड़ता है, और ज़ीरो पुट करके जो भी हमारी वैल्यू आती है वो देखनी है कि अगर वो जो वैल्यू एक्स की है वो अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रही है वन और थ्री के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एक्स कितना है वन और यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो वन एक्स वन ही है ना, और यहाँ तक कितना हो गया टू और वन कितना हो गया थ्री, अगर वन और थ्री के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा ऊपर की साइड आके नीचे, अगर वन से इधर है और थ्री के इधर है तो हमारा सीधा सीधा नीचे की साइड आ जाएगा, है ना समझ। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें डी एस अपॉन डी एक्स, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस यहाँ पर कितना गया थर्टी एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया वन, एक्स इक्वल टू वन क्या हो गया मतलब एग्जैक्ट वन के ऊपर ही है मैक्सिमम है, मतलब एग्जैक्ट वन के ऊपर मैक्सिमम है, और ई पॉइंट का तो हमें पता ही है कि ई पॉइंट पे क्या है, क्या गया हमारा ई पॉइंट ग्यारह, ई पॉइंट पे कितना है हमारा फोर्टी माइनस फोर फोर्टी, तो इसका मतलब ई पॉइंट पे तो यहाँ पे आएगा कहीं पर, ये एग्जैक्ट है तो इसका मतलब ऐसा बनेगा, ये आ गया हमारे लिए ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कौन सा हो गया सिर्फ और ज़ीरो, सिर्फ और ज़ीरो बोले तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन सिर्फ फोर्स होता है, और सिर्फ फोर्स ऑन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ किसी कर्व का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो उस जगह पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ध्यान रखिएगा किसी कर्व का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, उसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करें अगर वो आ जाता है नेगेटिव तो वो मैक्सिमम है, और अगर वो आ जाता है पॉजिटिव तो वो मिनिमम है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ई तक हम आ गए ई और बी, ई और बी के अंदर क्या है माइनस फोर्टी, कोई कर्व ही नहीं है सीधा सीधा, वो एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो गया है, स्ट्रेट लाइन भी क्या कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी कितना गया ट्वेंटी, ओ जंप मारा है इसने ऊपर की साइड, ये लो जी ट्वेंटी आ गया यहाँ पे, यहाँ पर अपना था फोर्टी, यहाँ पर अपना चल रहा था ट्वेंटी, और यहाँ पर अपना आ गया वापस से ट्वेंटी, से मतलब इक्वलिटी में आ गए हम पूरा का पूरा। अब चलिए आगे देखते हैं कहाँ गया हम बी सी तक, अब बी सी पे देखते हैं बी सी पे कितना है ट्वेंटी का, तो ये ट्वेंटी, और सी पॉइंट पे कितना हो गया ज़ीरो नीचे रह रहा। अब देखिए ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, इस जगह पे सिर्फ और जीरो, इस जगह पे भी सिर्फ और जीरो, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट दो जगह पे है जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब या तो इस जगह पे मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई एक होगा, दोनों में से दोनों नहीं हो सकते, या तो इस जगह पे मैक्सिमम मिनिमम में से एक होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्या होगा, वो हम देखेंगे तब जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, अभी तक हम शियर फोर्स का डायग्राम बना लिए, शियर फोर्स डायग्राम सजाना पड़ता है, तो हम सबसे पहले फिर क्या क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले अपनी बीम बनाएंगे और उस पर जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे लगाएंगे जिससे कि हमें पूरा पूरा आइडिया आ रहे हैं। अब आरे कितना था हमारा ट्वेंटी और यहाँ पर कहीं पे लग रहा था हमारा आर बी, वो कितना लग रहा है सिक्सटी, इस जगह पे ऐसे था और ये टू है तो इसको ज़्यादा लेना पड़ेगा, यू वी एल यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड 60 किलोमीटर पर, और ये यहाँ पर लगे 20 किलोमीटर, ये ए डी ई बी सी का निकालते हैं हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ये पता सबको ही पता है बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्यों क्योंकि शेयर फोर्स तो है पर उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ऐसे ही वो ज़ीरो होगी, इसलिए वो ज़ीरो हो गया। अब ए बी में देखते हैं, ए बी का मतलब क्या हो गया हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पर आ गया है, ये एक्स, और ये एक्स टेस वाला क्रॉस सेक्शन, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है तो क्या है इससे पहले के जितने फोर्स हैं उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले क्रॉस सेक्शन से, तो एक ही फोर्स है ट्वेंटी, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया ट्वेंटी, और वो भी कौन सा वाला क्लॉकवाइज, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो गया,
ट्वेंटी इंटू एक्स इक्वल टू कितना गया, 20x, ये हो गया। अब 8.t तो निकालने की जरूरत है नहीं वैसे तो, पर तब भी मैं चलो बता देते हैं 8.t। तो बेंडिंग मोमेंट 8.t क्या होगा, इससे पहले का जितना भी है बोले रहो इंटू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वन ही तो है, एक्स मत लिख देना वापस, एक्स लिखोगे तो भी वन ही है क्योंकि इसकी यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू वन ही है ना, ये तो 20 × 1 ये कितना आ गया 20। अब निकालते हैं हम डी रीजन में, इम्पोर्टेंट तो यही है क्योंकि यहाँ पर तो फंसेंगे सबके सब, तो डी में निकालते हैं। तो डी में निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन लेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक एक्स, और ये जो हमारी ये लेंथ ये हम एक्स मानते हैं, यही जो होता है ना यही चलता है। पहले हमने इसको यहाँ रखा, फिर हमने इसको डी पर रखा, अब हम डी के बीच में रख रहे हैं इसको उठा के। अब डी के बीच में रखते तो वही सबसे पहले इधर छुपाया, उसके उधर का जितना भी फोर्स है सारा का सारा लिख दो विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ही मत लिखते ना। तो फिर बेंडिंग मोमेंट आएगा 20, एक अगर लिखेंगे तो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी एक्स, एक्स हो गई माइनस इससे पहले का फोर्स, तो ये फोर्स ही है कि नहीं, ये यहाँ पे फोर्स है ये। और ये कौन कैसे निकालेंगे हम, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमने निकाला था ये वाला जो था ये, ये हमने इसका फोर्स ही तो निकाला है यहाँ पे, यहाँ से वाई अपॉन एक्स प्लस वन लेकर एक्स माइनस वन लेकर के 60/2 करके रखे, और ये देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके रखे 15x-1 का स्क्वायर, इसी को हम सीधा यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये फोर्स कितना हो गया 15x-1 का होल स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से अब देखिए हमें पता था कि ये फोर्स कहाँ लगेगा, सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड और इसके बीच के जो ये डिस्टेंस होती है ये तो इस टोटल डिस्टेंस का होता है 2/3, और ये कौन सा होता है 1/3 वाला। तो टोटल डिस्टेंस अभी ये कितनी है इसी डिस्टेंस का, ये कितनी है x-1 और उसका कितना होगा 1/3, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 20x-3 से ये कटा 5x-1 का होल। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, चलिए मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ ये वाली चीज़ के हमने कैसे निकाला है। ध्यान से सुनिए, ये 20 तक तो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन है, इससे उधर का फोर्स निकालना है, ये 20 का तो हो गया, ये हमारे फोर्स और बचा। UVL में निकालने के लिए जो मैक्सिमम टोटल फोर्स को, तो जो भी एरिया दिए जो भी दिया होता है ट्रायंगल उसका एरिया जो होता है वही फोर्स होता है, सीधी सी बात। अब जो एरिया जो दिया हुआ है इसका वो हम कैसे निकालें, वो हमने निकाला था सिर्फ उसके अंदर यहाँ, वो हमने निकाला था कि इसको मान लिया था हमने इस वाली हाइट को वाई, क्योंकि हमारा एरिया क्या है ट्रेंगल, और ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे इसका एरिया निकलता है। तो हाफ तो हो गया, बेस हमें देख लेंगे, हाइट तो देखें सबसे पहले क्या है हाइट, हमें तो पता ही नहीं, हाइट तो खुद ही वेरी कर रही, तो हमने इसको माना वाई, और हमने बोला कि ये जो ट्रेंगल है बड़ा वाला और ये जो ट्रेंगल है ये छोटा वाला, इन दोनों में सिमिलरिटी जो ट्रेंगल है उसकी प्रॉपर्टी लगाए थे कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये माना हमने वाई, और ये क्या था हमारा, ये टोटल तो था एक्स, और ये कितना था फिर हमारा वन, तो ये कितना बचा x-1। इसमें तो कोई मैथ है यार, इससे सिंपल क्या बताऊँ मैं, वाई अपॉन x-1 इक्वल्स टू, अब टोटल यहाँ पर कितना है 60 अपॉन 2, टू कौन सा वाला, ये वाला, दिस अपॉन दिस वाई अपॉन x-1 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस कितना है 60/2, तो यहाँ से हमने वाई निकाला, वाई आया 30 × x-1। अब हमने एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, बेस ये वाला, और ये टोटल एक्स है, और यहाँ से ये वन है, तो एक्स ये कितने होंगे x-1 × हाइट, हाइट अभी हमने निकाली थी वाई 30x-1, इस पर सॉल्व करेंगे, इससे इसको कटा 15 तो 15x
वही हमने यहाँ पर लिखा है 15x-1 का स्क्वायर। ये तो यहाँ पे आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी करनी होती है हमें, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं सिर्फ फोर्स नहीं। तो फिर इसके लिए हम क्या क्या करना होगा, इसकी जो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हम निकाल, और यहाँ पर ये होगा वो फोर्स लग खड़ा होगा सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड यहाँ से आप क्या बताया था कि जो कम वाला होता है उससे तो 2/3 पे होता है, और जो ज़्यादा वाला होता है उससे ज़्यादा वाला मतलब ये बड़ा वाला 1/3 पे होता है। और यहाँ से क्या 1/3, और 1/3 किसका, ये जो टोटल लेंथ होती है, और ये टोटल लेंथ कितनी है, ये तो एक्स है और ये वन है, तो ये कितनी होती है x-1 x-1 3। यहाँ से ये चीज़ आई, आई थिंक आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा कि ये से बेंडिंग मोमेंट किस टाइप से निकाला गया है यहाँ पर। अब हमने निकाल लिया है डी रीजन के ऊपर, तो अब बेंडिंग मोमेंट एट ई भी निकाल लेते हैं। अब ई पे अगर हम निकालेंगे यहाँ पे सीधा सा ये है, जो एक्स है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है ना, क्योंकि एक तो ये और दो ये, तो कितनी हो गई 3। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो, 3 में से एक क्या कितना आता है, 2, दो 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 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, ये आएगा 40 शुद्ध देसी में चलेगा अपना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 है यहाँ पे, और 3 एक्स को 3 ही रखना है ना, और यहाँ पे 60 हो गया, ये कितना हो गया 60, और ये बचा कितना 20, तो आ गया भाई साहब एंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे आ गया। अब निकालते हैं अपन ई बी के अंदर, निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, बिल्कुल वही जो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लो अपना ये यहाँ पर है हमारा, और ये हमारा एक्स, इसके इधर का पूरा छुपा लो, इसके उधर का पूरा लिख डालो। पेंडिंग मोमेंट सबसे पहले 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 वो तो बहुत दूर का खिलाड़ी है, देखो एक्स ये पूरा उस पर एक्स ये हमने लिख दिया, ये यहाँ इसमें पूरा का पूरा कवर हो चुका है, पूरा का पूरा कवर हो चुका है, तो मतलब इसका टोटल टोटल कितना होगा 60, क्योंकि देखो हाफ इसका टोटल कितना होगा वेट, हाफ तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 60, 2 से 2 = 60 आ गया, इसलिए मेरे को पता था, हमने 3 बार निकाल चुके हैं इसको, इसलिए मेरे को याद हो गया था कि 60 है। और यहाँ पे 60 हो गया, और यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये वाली पूरा पूरा ब्लैक हो गया, ये वाली होगी, क्योंकि ये तो लगेगा तो इसके सेंट्रोइड पर ही, यहाँ पर ही, तो हमें ये तो पता है ये कितनी होगी 1/3 इस टोटल की, ये टोटल कितनी है 2, तो ये क्या हो गया 2/3, सही है कि नहीं है, अगर तो यहाँ पर ये क्या हो गई, यहाँ से जो हमारा प्लेन होगा इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ऐसे नहीं निकालनी तो ऐसे निकालो, सबसे बेस्ट होता है, ये है एक्स टोटल पूरा का पूरा, ये इसमें से अगर मैं ये पूरा ये माइनस कर दूँ, अगर इस पूरे में से मैं अगर ये वाला माइनस कर दूँ तो फिर यही बचा, और यही हमें चाहिए यहाँ पर, सही कहा ना, तो फिर ये पूरा का पूरा कितना है एक्स, एक्स माइनस, अब माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस, प्लस के संग क्या आएगा यहाँ पे 2/3, ये 2 है और 2 है, तो फिर ये कितना है यहाँ पे 2/3 आएगा ये वाला, तो ये क्या पर आएगा 2/3 × 2, तो पेंडिंग मोमेंट जो है वो कितना आएगा 20x-60 × x-7/3, 2 × 2 = 4 × 3 = 7, 100 बोल रहे हैं, ये आएगा यहाँ, तो ये 20x-60x-+, ये इसे कटा 3 × 6 = 140, तो यहाँ से आएगा -40x + 140, स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर हमने इस पे निकाल लिया, अब बी पे निकाल लेते हैं, एट बी, अब बी पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, सिंपल सा है, एक्स जो है ये इसको तो फॉलो कर रहा है, ई और बी के बीच में एक्स को क्या रखो 2, 3, 4 रखो,
चारों को गए तो बी पे कितना आ जाएगा, -40 × 4 + 1 = 0। और ये यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आता है यहाँ पे माइनस का 4 × 40 = 160 ये आया। अब देखते हैं अपन बी सी के बीच में, बी सी के बीच में भी एकदम सिंपल सा ही है भाई। जो यहाँ पर ये तो जो चल रहा था वो तो है ही है, जो यहाँ पे ये जो चल रहा था ये तो है ही है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर जो ऐड किया है वो क्या, कौन सा फोर्स किया, सिर्फ 60 किया है ना। तो फिर इसको अगर हम देखते हैं तो ये आएगा जैसे कि 20 सबसे पहला वाला है, 20 वाला इंटू एक्स, क्योंकि एक्स टोटल लेंथ है वहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं अपना क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, काफ़ी कसम से पर आई थिंक आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं अपना क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, और फिर ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये एक्स है अगर हमारा, तो फिर यहाँ से देखिए आप 20 तो है ही है, यहाँ पे 20 तो है ही है। इसके अलावा एक्स हो गया ये इस वाले का 20 का, ये एक्स हो गया। इसके अलावा ये जो पूरा है इसका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का -60 एक्स -7/3, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये 60 का एक्स -4 टोटल एक्स है, टोटल एक्स। और इसमें से अगर हम ये वाली घटाते हैं तो ये वाली बचेगी, ये कितनी है 2 3 4 एक्स -4। यहाँ से अगर हम बी सी देखते हैं तो बी सी का क्या आता है, यहाँ पे पूरा पूरा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी यहाँ से 20x है यहाँ पे, यहाँ पे ये पूरा कट के तो ये आया था, और इसमें ही अगर हम ये वाला ऐड कर देते हैं तो 20x - 100 ये आता है। और फिर आता है 8.C। अगर हम सी पे निकालें तो सी पे क्या आ रहा है यहाँ पे, सी की यहाँ पर ये इसके अंदर सी की जो लेंथ एक्स की लेंथ वो वैल्यू वो पुट कर दो 1 2 3 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पर 5 को पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 100 - 100 = 0। सी पे क्या आ रहा है 0। आई थिंक आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा कि हमने किस टाइप से किया है ये। चलिए इसका ग्राफ बनाते जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉ। इसके अब ये वाला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस जगह पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो पॉइंट ए, ए पे कितना 0, ये लो 0 हो गया, ये 20x को फॉलो कर रहा है। बी और बी कहाँ से आ गया, डी, सॉरी ये डी और उसके बीच में 20x को फॉलो कर रहा है, और डी पे कितना है 20 है, तो ये ऐसे जाएगा यहाँ तक, ये यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई, और हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और जीरो हो रहा है। सिर्फ और जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है या मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखेंगे, हमें देखने के लिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो तो सेयर फोर्स है ही, और उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वो चीज़ नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि उस जगह पे मैक्सिमम है, और अगर वो चीज़ पॉजिटिव आ जाती है उस जगह पे इसका मतलब है कि वो मिनिमम है। तो फिर हमारा सेयर फोर्स जो था इस जगह का कौन सा वाला रीज़न का, डी ई वाले रीज़न का, वो ये है। और अगर हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं इस जगह पे, डिफ्रेंशिएट अगर हम करते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई डी एक्स अगर हम करें तो वो 0 हो ही गया, और ये यहाँ पर कितना आएगा 15 30 एक्स -1 माइनस का माइनस। और इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आता है यहाँ पे माइनस का 30 एक्स -1। और एक्स इसके बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक्स यहाँ पे 2 मतलब 1 से 3 के बीच में, तो एक्स को अगर मैं 1 से 3 के बीच में रखूँ तो ये हमेशा चीज़ क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। 1 रखोगे तो क्या आएगा -29,
और 3 रख दोगे तो वही तो 90, तो -89 पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ क्या हमेशा नेगेटिव ही है, हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है उसके बाद, सुबह पे क्या हो रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो रहा है तो इसलिए मैक्सिमम हो रहा था, फिर वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो हमें ये देखना है कि अब ई पॉइंट पे क्या आता है एस एयर फोर्स, सॉरी बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ई पे कितना आ रहा है, ये यहाँ पे ये रहा बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट डी पे निकाल लिया, पॉइंट ई पे है 20, और यहाँ पर भी क्या था 20, इसका मतलब ये तो घूम के वहीं आ जा रहा है वापस से इसी जगह पे, ये आ गया यहाँ तक हम आ चुके हैं ई तक, पॉइंट सकते हैं जैसे कि सही रहे ए यहाँ पे, सॉरी ये डी है, ये ई आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अब देखते हैं ई बी, ई बी के अंदर वो कैसे चल रहा है, फॉलो कर रहा है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, ये वाला -40x + 40, इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव स्लोप है नीचे की साइड डाउनवर्ड, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और हमें ये देखना है कि फिर इस जगह पे बी पे कितना है -20 है। तो फिर चलिए देखते हैं, तो बी पे यहाँ पे, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया इस जगह पे, चलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ये आ गया, ये आ गया, तो 8.B -20 जा रहा है, तो ये -20 ये यहाँ पे आ गया, और फिर अगर बी पे देखें -20 और फिर बी और सी के बीच में देखें तो क्या आ रहा है 20x - 100, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप के साथ, और लास्ट में कितना हो रहा है 0, इसका मतलब उसको 0 होना पड़ेगा लास्ट में पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो देखिए यहाँ बिल्कुल सही था हमारा प्रेजम्पशन, देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हुआ है 0, इस जगह पे 0 हुआ, इसका मतलब इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट का तो मैक्सिमम होना था मिनिमम होता, देखिए इस जगह पे क्या हुआ मिनिमम है, इससे कोई वैल्यू नीचे इसके आसपास की जो वैल्यू है उनमें से कोई नहीं मिनिमम है, और इस जगह पे क्या होना था उसे मैक्स, मैक्सिमम है मिनिमम, तो हमने निकाल के देखा था तो इस जगह पे क्या आ रहा था मैक्सिमम आ रहा था। तो इससे आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस टाइप से ये होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात जो हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर की थी वो थी, देखिए जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, जहाँ सॉरी बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे अपना साइन चेंज करता है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे पूरा और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए साइन चेंज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लिक्शन। आई थिंक आपको ये पूरा पूरा समझ में आया होगा हमने पूरा क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किया है, वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन कभी आते नहीं है, पर हमारे कंसेप्ट को सही ढंग से समझने के लिए हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है। कल हम कैंटिलीवर बीम करेंगे, उसके ऊपर समझेंगे यूवीएल यूडीएल और कॉन्ट्रोल से किस टाइप से वेरी करता है। आई होप आपको एक वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।